40 किलो अभी भी खाया है, सरकार कहाँ? ये 30 तो ऑफिशियल है, हमको लगता है 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उस पर तुरंत सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और उनको अपना शराब नीति को और सख्त करना चाहिए। अगर शराब बंदी है तो कहीं भी शराब नहीं पहुंचना चाहिए और ख़ास करके जहरीली शराब से सैकड़ों मौतें हर साल होती है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। शासन प्रशासन कान में तेल डाल के जो चुप है, ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इसमें सख्त होना चाहिए, सरकार को और सख्ती से लागू करना चाहिए, और नहीं तो ऐसी शराबबंदी का मतलब क्या है? आपने अभी कहा कि हम अपने टीम भी भेज रहे हैं वहाँ पे पीड़ितों से, 5 सदस्यीय टीम अभी हम भेजेंगे भी तुरंत बना के, जब पता चला तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, फिर उस आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। मुआवजे को लेकर भी आपने कहा मुआवजा मिलना चाहिए अभी तक? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को घोषणा करना चाहिए कितनी की मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह की घटना तो हो रही है। नहीं, वो तो सरकार में एक अपना पहले से सेट नॉर्म्स है, उस आधार पर मुआवजा दे। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस कानून में, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस कानून में, इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सख्ती बरतनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो है ही, इम्प्लीमेंटेड है शराबबंदी, और उसमें सरकार को सख्ती से, भाई जब शराबबंदी है तो यहाँ एक छटाक भी नहीं पहुँचना चाहिए किसी के घर में, शराबबंदी पूर्णतः लागू होना चाहिए। गिरिराज सिंह यात्रा पे निकल रहे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कल? अरे भाई, ये उनका अपना पर्सनल यात्रा हो सकता है, अपना स्वाभिमान जगाएं वो, हमको तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके इस यात्रा में शामिल होगी। कह रहे हिंदू खतरे में, वो खुद खतरा महसूस कर रहे हैं।